हेलो, वेलकम टू शशि गार्डन। तो आज मैं करने जा रही हूँ गुड़हल प्लांट की रिपोर्टिंग। तो ये देखिए, जो प्लांट विंटर में रेस्ट पर था, अब इसमें थोड़ी थोड़ी सी पत्तियाँ आने लगी है, पर इसके रूट्स देखिए कितनी सारी बाहर आ गई है इस तरीके से। तो ये जो रूट्स बाहर आ गई है, तो हमको संकेत मिल रहा है कि ये रूट बाउंड हो चुका है। और रूट बाउंड होने के साथ साथ मेरा जो प्लांटर है, देखिए ये भी पूरी तरीके से ख़राब हो गया, मतलब ये इस तरीके से हाथ लगाने से भी टूट रहा है। तो इसको हटा के मुझे नया प्लांटर इसको देना है, ताकि ये अपनी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से कर सके। और इसमें पिंक कलर के छोटे छोटे काफ़ी सुंदर फ्लावर आते हैं, और फ्लावर की संख्या भी काफ़ी अच्छी होती है। तो मुझे इस प्लांट को जल्द ही ठीक करना है, ताकि मुझे ये फिर से काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग दे सके। प्लांट्स में जैसे जैसे नई नई शूट्स निकलने लगी है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, छोटी छोटी सी शूट्स निकली है। उसके साथ में देखिए इसमें कलियां भी बनने लगी है फिर से। तो चलिए हम इस प्लांट को रिपोर्ट करते हैं, और रिपोर्टिंग के समय में इसके साथ में क्या क्या काम कर रही हूँ वो सब मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो वीडियो पर बने रहिएगा, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यूज काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं बट लाइक्स नहीं दिखते हैं, और लाइक्स नहीं दिखने के कारण मेरा जो वीडियो आगे ग्रो नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर जो प्लांट मेरा है, काफ़ी बड़ा हो गया है प्लांट भी, देखिए इतना बड़ा। मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से प्रून किया था, और यहाँ से प्रून करने के बाद में मैंने इसमें एलोवेरा जेल लगाया था। तो जब भी हम प्लांट को प्रून करते हैं, आप हार्ड प्रूनिंग कीजिए, सेमी शेड प्रूनिंग कीजिए, उसके ऊपर आप हल्दी पाउडर या एलोवेरा जेल, जो एलोवेरा ताज़ा जो होता ना, जिस उसी को काट के मैंने इस पर लगाया था, वो लगा दीजिए। या आपके पास में फंजीसाइड हो तो आप उसे लगा दीजिए। तो यहाँ पर मैं इसको अब और कट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इसको कट कर दिया था। अभी मैं इसको कोई नया शेप नहीं देने वाली हूँ। इसको कई जगह से मैंने इस तरीके से ये कट कर दिया, कि इसकी जो स्टेम ख़राब हो रही थी ना, वो इसको मैंने कट कर दिया था। तो पहला काम हमारा यही होता है कि हम अपने प्लांट को, जो इसकी स्टेम है उसे कट कर दें, और जो ब्रांच हमें इसको शेप में लाना हो, और जो ब्रांच अलग से कोई हो तो उसको हटा दें। तो अब सेकंड काम हमारा ये है कि अब हम इसको यहाँ से जड़ सहित इसे निकाल लेते हैं। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक ऑयल कैन, जिसके अंदर हम पानी भरते थे, उस कारण से इसको ऐसी दिख रही होगी। तो यहाँ पर मैं इसको, जो मैंने ड्रेनेज होल इसमें बनाए हैं, उसको मैं पहले कवर कर दूंगी। तो ये जो प्लास्टिक का हमारा जो टूटा हुआ हिस्सा है, इससे मैं इसको कवर कर देती हूँ, और कुछ पत्थर हम इसमें डाल देंगे। अब ये कंकड़ से मैंने इसको पैक कर दिया है होल को। अब देखिए यहाँ पर अभी टूल मेरे पास जो अवेलेबल है, उसी से मैं इसको इस तरीके से निकाल रही हूँ। थोड़ा सा मिट्टी ढीला हो जाएगा मेरा, प्लांट अच्छे से निकल जाएगा। इसकी साइड इस तरीके से हो रही, तो पैर रख के खींचने में नहीं आएगा ये, तो मुझे इसकी मिट्टी निकालनी पड़ेगी सारी। ये देखिए कितनी सारी रूट्स इसमें दिख रही है। अब मैं इसको मिट्टी को थोड़ा सा और ढीला कर लेती हूँ। थोड़ी सी मिट्टी भी अंदर से गीली गीली है, इस कारण से ही पूरी तरीके से ऐसे नहीं निकल रहा है। चलिए मैं प्लांट निकाल कर फिर आगे मिलती हूँ आपसे। देखिए इस तरीके से इसकी सारी रूट निकल आई है,
और कुछ बारीक बारीक से रूट इसमें टूट भी गई थी। वैसे ही बारीक बारीक रूट से मुझे हटानी थी नीचे नीचे की, तब इतनी रूट्स नहीं है कि मुझे हटानी पड़े। थोड़ा सा हल्का सा प्रूनिंग मैं और करूँगी इसमें। चलिए अब इसकी मिट्टी बनाते हैं। यहाँ पर ये ली है मैंने गार्डन सोइल और इसमें इतनी ही मैंने बालू रेत मिलाई है और मैं इसी मिट्टी का यूज़ वापस इसमें करूँगी जो हमारी इसमें से निकली है पॉट में से। और इसके अंदर अब मैं मिलाने वाली हूँ वर्मी कंपोस्ट। ये मिट्टी काफ़ी अच्छी बनी हुई थी मेरी, मेरा प्लांट काफ़ी अच्छा चल रहा था 2 सालों से, तो इस मिट्टी को मैं इसी में वापस ऐड कर लूँगी, इसको हटाऊँगी नहीं। तो देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लिया है और यहाँ पर मैंने इस मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट अब मिलाना है। ये मिलाया है मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट, आपके पास में जो खाद अवेलेबल आप मिला सकते हैं। अब मैं किस तरीके से अपना पॉट फिल करूँगी वह मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैं हमेशा से जिस तरीके से अपने पॉट को कवर करती हूँ, फिर अपने प्लांट को रिपोर्ट करती हूँ, नया प्लांट लगाती हूँ। तो चलिए ये मेरी मिट्टी तैयार है, अब इसमें मुझे और क्या ऐड करना है। अब इसमें थोड़े से DAP के दाने, क्योंकि अभी प्लांट को मजबूती काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि इस प्लांट को हमें तैयार करना है फ्लावरिंग के लिए। तो इसकी स्टेम और इसकी जो रूट्स है वो काफ़ी अच्छे से मजबूत हो जाए, तो DAP का यूज़ करते हैं हम इसीलिए। मिट्टी में मुझे मिलाना है अब अपना बोन मिल, तो यहाँ पे वही 2 चम्मच के लगभग मैंने बोन मिल मिलाया है। आप इसमें अंडे के शेल का भी उपयोग कर सकते हैं उसको पीस कर, और अगर आप यह बोन मिल का यूज़ नहीं करते हैं तो इसमें आप मिला सकते हैं चाय की पत्ती या कॉफ़ी पाउडर लगभग 2 चम्मच, क्योंकि हमें एसिडिक मिट्टी बनानी होती है, काफ़ी हैवी फीडर प्लांट होता है हमारा, ये भी काफ़ी अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग देता है। और मेरा अनुभव यही है कि पिछली बार मैंने इसमें जो जो खाद दी थी उस हिसाब से इस प्लांट ने मुझे बहुत सारी फ्लावरिंग दी थी। मैं डाल रही हूँ अपने गार्डन का सारा कचरा, क्योंकि मैं जब भी अपना प्लांटर फिल करती हूँ तो सबसे पहले अपने प्लांट में जितना भी वेस्टेज होता है वह सब बिछा देती हूँ नीचे, ताकि आगे चल के जैसे जैसे ये खाद बनता जाएगा प्लांट को न्यूट्रिशन मिलती रहेगी और काफ़ी मात्रा में खाद का काम हमारा यही चीज़ें कर देगी। तो इसमें गार्डन का कचरा, साथ में हमारे किचन का वेस्ट जो आपके पास अभी अवेलेबल हो वो आप इसमें डाल दीजिए। ये देखिए इसमें लहसुन प्याज के छिलके वगैरह डाले हैं, लगभग 1 इंच तक मैंने इसको नीचे से कवर कर दिया है। मैं अब इसमें डालूंगी अपनी मिट्टी। इतना मैं मिट्टी से फिल करने के बाद में थोड़ा सा और वेस्ट इसमें मिलाऊंगी, तो चलिए हम इसमें और थोड़ा सा वेस्ट डालते हैं। ये थोड़ा बहुत और कचरा जो गार्डन का है वो भी मैं एक साथ में ऐड कर देती हूँ, और ये थोड़ा सा कचरा है जो मैं कंपोस्ट बनाती हूँ। ये पूरी तरीके से कंपोस्ट नहीं बना था और मैंने हटा लिया था, क्योंकि यहाँ पर छत पे जो काम चल रहा था उस कारण से,
तो वो भी मैं इसके साथ में ऐड कर देती हूँ। तो इसमें मूंगफली के छिलके वगैरह आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए। अभी इतना कचरा ऐड करने के बाद मैं इसको फिर से फिल करती हूँ। अब मैं अपने पॉट को फिर से अपनी जो मिट्टी मैंने बनाई है उससे फिल कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे इतना फिल करना है कि मेरा प्लांट अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, इस प्लांट को मैं रख के देखती हूँ। तो ये देखिए, अभी थोड़ा सा मैं और इसको फिल कर सकती हूँ। ये देखिए, अब ये काफ़ी अच्छे से रखने में आ गया है। अब मैं इसको प्लांट को रख के ये सारी जड़ें में अच्छे से मिट्टी फिल कर दूंगी यहाँ पे, ताकि ये अच्छे से दब जाए। अभी जितने भी प्लांट मैं रिपोर्ट कर रही हूँ सारे परमानेंट प्लांट हैं, क्योंकि सही टाइम है कि आप परमानेंट प्लांट को भी रिपोर्ट कर लीजिए या फिर बारिश का इंतज़ार कीजिए, फिर बारिश में रिपोर्ट कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैं दबा दूंगी ताकि इसमें एयर पॉकेट ना रहे। इतनी जगह मैं खाली रहने दूंगी ताकि मुझे गुड़ाई करने में आसानी रहे, और अगली बार कोई मैं इसमें खाद वगैरह दूँ तो अच्छे से मैं इसमें दे पाऊँ। अब मैं इसमें दे दूँगी पानी, 1 लीटर के करीब पानी। और इसमें मैं डाल रही हूँ अपना थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट। ये थोड़ा सख्त तो हो गया है, तो करीब 1 चम्मच के इतना मैंने एप्सम सॉल्ट इसमें, छोटी चम्मच के करीब एप्सम सॉल्ट डाला है। और मैं इसको हाथ से अच्छे से हिला दूंगी। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि हमारा जो प्लांट है वो थोड़ा भी शॉक्ड में नहा जाए। और अगर आपके पास में एप्सम सॉल्ट नहीं है तो आप इसमें हल्दी का यूज़ करिए या फिर एलोवेरा का पानी बना कर डालिए। तो इस पानी को मैं अब इसमें डाल देती हूँ। अब थोड़ी बहुत जो मिट्टी दबेगी तो और अंदर तक दब जाएगी, ताकि हमारा प्लांट अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देखिए, धीरे धीरे इसमें पानी एब्जॉर्ब हो रहा है। ये देखिए, काफी हद तक पानी अंदर चला गया है। ये पूरा पानी नीचे अच्छी तरीके से नीचे तक चला गया है। अभी थोड़ा सा ये हिल रहा है क्योंकि मिट्टी काफ़ी हल्की है, इस कारण थोड़ा सा प्लांट अभी हिल रहा है। पर मैं उसको उसके लिए भी काम करूँगी। ये जो मिट्टी हमारी थोड़ी सी बची हुई थी ना, उसको इसके साइड में इस तरीके से लगा के दबा दूँगी ताकि ये प्लांट बिल्कुल भी हिले नहीं। ये देखिए, अब ये नहीं हिलेगा क्योंकि अच्छी तरीके से ये दब चुका है अंदर। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।